काजोल के नाम सुनते ही इनोसेंट क्यूट और चंचल वाले उस काजोल के फेस हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। काजोल बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसे काफी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जिनको हर कोई पसंद करता है और काजोल ने 6 बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते हैं। तो दोस्तों आज मैं काजोल के बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ, तो अगर आप हो काजोल के फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, बेखुदी। ये 1992 का एक्शन क्राइम फिल्म है और इसमें काजोल और कमाल लीड रोल में है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.7 और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 2, बाजीगर। ये 1993 का क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको बाद में कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है, जिसको रेट किया है अब्बास मुस्तान ने। और इस फिल्म के साथ पहली बार के लिए आइकॉनिक कपल शाहरुख खान और काजोल को ऑन स्क्रीन पर देखने को मिला है। और इसमें विकी मल्होत्रा अपने फादर की मौत की रिवेंज लेने के लिए कैसे एक बिजनेस टाइकून के फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.7 out of 10। इसका बजट था 2 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 12 करोड़, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 3, ये दिल लगी। यह 1994 का रोमांटिक फिल्म है और इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान और काजोल लीड रोल में है। इसमें एक रिच प्लेबॉय विकी और लोकल ड्राइवर के बेटी सपना के बीच में प्यार को दिखाई गई है और यह फिल्म 1994 का 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था। और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6 और इसका बजट 2 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 6 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 11 करोड़ और यह फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 4, उधार की जिंदगी। यह 1994 का ड्रामा फिल्म है और इसमें जितेंद्र और काजल लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 5, करण अर्जुन। यह 1995 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है राकेश रोशन ने और इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, काजल, ममता कुलकर्णी और रखी लीड रोल में है। इसमें करण और अर्जुन मरने के बाद दोबारा पुनर्जन्म लेता है और फिर कैसे अपने पिता के मर्डरर का रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। और ये फिल्म 1995 का 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.8 out of 10। इसका बजट था 6 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 26 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 44 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 6, ताकत। यह 1995 का रोमांटिक क्राइम फिल्म है और इसमें विकास भल्ला और काजोल लीड रोल में है और यह फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 7, हलचल। यह 1995 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है अनिस बजमी ने और इसमें विनोद खन्ना, अजय देवगन और काजोल लीड रोल में है और यह फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 8, गुंडाराज। यह 1995 का एक्शन फिल्म है और इसमें अजय देवगन और काजोल लीड रोल में है और यह फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 9, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह 1995 का रोमांटिक फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है आदित्य चोपड़ा ने और इसमें शाहरुख खान और काजोल लीड रोल में है। इसमें राज अपने प्यार सिमरन को पाने के लिए कैसे उनके फैमिली के अगेंस्ट पर फाइटिंग करते हैं वह इसमें दिखाई गई है। असल में स्टोरी को जैसे भी कहो इस फिल्म को देखने में एक अलग ही मज़ मिलता है और ये फिल्म 1995 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था और इसका IMDb रेटिंग मिला है 8.1 out of 10 और इसका बजट था 4 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 58 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 108 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 10, बम्बई का बाबू। ये 1996 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें सैफ अली खान और काजोल लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 11, मीन सारा कनावू। ये 1997 का तमिल म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और इसमें अरविंद स्वामी, प्रभु देवा और काजोल लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है सपने नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7 out of 10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 12, कुक्त। यह 1997 सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो बाद में कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई है और इसमें बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला लीड रोल में है और ये फिल्म 1997 का 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट हिंदी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म माना जाता है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.3 out of 10। इसका बजट था 10 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 22 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 34 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 13, हमेशा। यह 1997 का रोमांटिक फिल्म है और इसमें सैफ अली खान और काजोल लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 14, इश्क। यह 1997 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है इंदिरा कुमार ने और इसमें आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला और काजोल लीड रोल में है।
इसमें फोर यंग कपल डिफरेंट सोशल क्लासेस के हैं और वो अपने अपने पसंद के पार्टनर से प्यार करते हैं जो उनकी पेरेंट्स के पसंद के नहीं है। और ये 1997 का थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था और इसका IMDb मिला 6.9 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 11 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 26 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 45 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 15, प्यार किया तो डरना क्या। यह 1998 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें सलमान खान और काजोल लीड रोल में है। इसमें सूरज और मुस्कान के प्यार के बीच में मुस्कान की भाई का इन्वॉल्वमेंट को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 7 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 18 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 35 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 16, दुश्मन। यह 1998 का साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इसमें संजय दत्त और काजल लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकली। नंबर 17, प्यार तो होना ही था। यह 1998 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें अजय देवगन और काजल लीड रोल में है। इसमें संजय और शेखर के बीच में प्यार को दिखाई गई है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 8 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 22 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 38 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 18, कुछ कुछ होता है। ये 1998 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है करण जौहर ने और इसमें आइकॉनिक ऑन स्क्रीन पेयर शाहरुख खान और काजल लीड रोल में है। इसमें बेबी अंजलि कैसे उसके फादर राहुल और उनका कॉलेज फ्रेंड अंजलि को मिलाने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज रोमांटिक फिल्म माना जाता है और इस फिल्म को 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिला है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 10 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 48 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 108 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 19, हम आपके दिल में रहते हैं। ये 1999 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें काजल और अनिल कपूर लीड रोल में है और ये 1999 का फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था। इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.7 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 6 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 17 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 36 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 20, होते होते प्यार हो गया। यह 1999 का एक्शन क्राइम फिल्म है जिसमें जैकी श्रॉफ और काजोल लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 21, दिल क्या करे। ये 1999 का ड्रामा फिल्म है और इसमें अजय देवगन और काजोल लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 22, राजू चाचा। ये 2000 का एक्शन फिल्म है और इसमें अजय देवगन और काजोल लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 23, कुछ खट्टी कुछ मीठी। ये 2001 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 24, कभी खुशी कभी गम। ये 2001 का ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है करण जौहर ने और इसमें अमिताभ बच्चन शाहरुख खान काजोल ऋतिक रोशन और करीना कपूर लीड रोल में है। इसमें किंटन फैमिली के बीच में ट्रबल और मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखाई गई है और ये फिल्म 2001 का एवर हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.4 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 40 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 60 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 135 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 25, फना। ये 2006 का रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने और इसमें आमिर खान और काजोल लीड रोल में है। इसमें जूनी जानती थी कि एक टेररिस्ट अटैक में रेहान खान की मौत हो गई पर बाद में 7 साल के बाद जब रेहान जिंदा लौटते हैं तब जूनी की लाइफ कैसे पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.2 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 30 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 52 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 105 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 26, यू मी और हम। ये 2008 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने और इसमें अजय देवगन और काजल लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 27, माई नेम इज खान। ये 2010 का ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है करण जौहर ने और इसमें गोल्डन पेयर शाहरुख खान और काजल लीड रोल में है। इसमें लॉस एंजल्स में ऑटिज्म रिजवान को कैसे गलत फहमी से सस्पेक्टेड टेररिस्ट समझ के अरेस्ट कर लिया जाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 8 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 60 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 78 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 205 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 28, वी आर फैमिली। ये 2010 का ड्रामा फिल्म है और इसमें काजल अर्जुन अब्बल और करीना कपूर लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 29, तुनपुर का सुपर हीरो। ये 2010 का लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म है और इसमें अजय देवगन और काजल लीड रोल में है
और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 13, दिलवाले। ये 2015 का रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने और इसमें शाहरुख खान, काजल, वरुण धवन और कृति सनन लीड रोल में है। इसमें दो माफिया फैमिली के लड़का और लड़की के बीच में प्यार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है। इसका IMDb रेटिंग मिला है 5.2 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 115 करोड़ और इसका इंडियन कलेक्शन रहा 148 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 388 करोड़ और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 31, वेलाइला पत्थाधारी 2। ये 2017 का तमिल तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें धनुष और काजोल लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है VIP 2 नाम से और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 32, हेलीकॉप्टर इलाव। ये 2018 का ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 33, तन्हाजी डांस सॉन्ग वॉरियर। ये 2020 का बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है ओम राउत ने और इसमें अजय देवगन, सैफ अली खान और काजल लीड रोल में है। इसमें 17th सेंचुरी का मराठा एम्पायर का फाउंडर तानाजी मालुसर का लाइफ और उदयवान के अगेंस्ट में वार को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.1 आउट ऑफ 10। इसका बजट था 150 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 282 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन रहा 368 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 34, शशि ललिता। ये 2020 का अपकमिंग ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट करी है कथी रेड्डी ने और इसमें काजल लीड रोल में है। इसमें तमिलनाडु का फॉर्मर CM जय ललिता की पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को दिखाया जाएगा और काजल को अम्मा के रोल में देखने के लिए फैंस ने काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, क्या आप भी एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए तो कमेंट करके बताना और बता दो दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होगा 2020 दिसंबर में और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा काजल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथ ही बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।